Yo! What? ये इधर पे नहा रहा है, देखो इसे शैम्पू लगा के मैं निकल गई हूँ, इसे अब मैं नहलवा दूंगी। नो 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 नो, माय गॉड, ओ बाबा, ओ माय गॉड, सो मच फाइट यू आर डूइंग। Or welcome back to my channel. So it's me Ankita, and if you're new here, don't forget to subscribe to this channel and hit on the bell icon also so that you don't miss out any of the video from this channel. And इधर पे हो रहा है बारिश and मैं intro shoot कर रही हूँ दोपहर के 12 बजे, क्योंकि मैं बाथरूम सब कुछ क्लीन वीन करके, मेरा ना मतलब मम्मी भी बोलती कि तेरा कोई डीकल्टरिंग का काम का कोई डेट नहीं होता है, हमेशा डीकल्टरिंग का काम ही करती रहती हूँ। वो आपको ब्लॉग में भी, मतलब मिनी ब्लॉग में भी दिखता होगा शायद से। लीव, उसके बारे में बात नहीं करते, जो मेन जिस कारण से आज का ब्लॉग बन रहा है उसके बारे में बात करते। सो आज का जो ब्लॉग है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। क्योंकि आपको थंबनेल एंड टाइटल देख के पता है कि आज मेरे पेरेंट्स का 25th एनिवर्सरी है। एंड मेरे घर पे पता नहीं कौन आया, मैं पहले देखती हूँ फिर मैं वीडियो बनाऊंगी। तो इसमें कोई आ गया था मेरे घर पे एंड मैं वीडियो छोड़ के चली गई थी। तो एज आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड कि मेरे पेरेंट्स का 25th एनिवर्सरी है, जिस वजह से आज का व्लॉग है। एंड थोड़ी देर बाद, पूरे दिन में अभी तो 12 बज रहा है एंड थोड़ा बहुत क्लिप्स मैंने लिया था मम्मी और पापा का सुबह, थोड़ा बहुत वो आपको इंट्रो वीडियो के बाद में दिख जाएगा। एंड पूरा दिन में हाफ दिन तो गया, 12:01 बज रहा है अभी नियर अबाउट। मेरे घर पे जो डेकोर वाले, मतलब थोड़ा सा मैं जिस रूम पे थोड़ा सा डेकोरेशन वगैरह करूंगी, वो लोग आ जाएंगे फॉर द डेकोरेशन पर्पस। एंड या मम्मी को पता नहीं था कि डेकोरेशन वगैरह होगा, मम्मी ने सोचा कि थोड़ा बहुत केक वेक काटेंगे, लेकिन जो प्रॉब्लम हुआ कि मम्मी को भी थोड़ा बहुत पता चल गया कि मैं डेकोरेशन का कुछ तो करवा रही हूँ, क्योंकि वो लोग सुबह जो डेकोरेशन का आइटम्स होता है वो रखने आए थे मेरे घर पे। एंड तब मम्मी पूछ रही थी कि ये लोग कौन है, क्या लेके आए, तब मुझे बोलना पड़ा कि है समथिंग कुछ, मैंने वो नहीं बोला कि डेकोरेशन, बट मेरी मम्मी बहुत चालाक है, वो समझ गई कि हाँ डेकोरेशन रिलेटेड कुछ होगा, लेकिन क्या डेकोरेशन होगा वो नहीं पता मम्मी को। एंड वन मोर थिंग, मम्मी का एनिवर्सरी है, मम्मी ने केक ऑर्डर नहीं किया। मस्त है, उसका भी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ लोचा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूंगी कि केक का क्या लोचा होने वाला है। सो देखते हैं कि आज कैसा जाता है हमारा पूरा ब्लॉग। तो मजे तो हम करेंगे, आप लोग भी हमारे साथ मजे करना। इधर पे मम्मी और पापा सुबह जा रहे थे मंदिर में पूजा देने के लिए एंड मैंने ये वाला क्लिप थोड़ा सा ऐसे सुबह मतलब ले लिया, रिकॉर्ड किया उन लोगों को टाटा बोलते बोलते। फिर मैं गई थी खुद पूजा देने घर का एंड मेरा जो ब्लॉग है ना वो विदाउट एनी ऑर्डर रिसीव करते हुए तो कंप्लीट नहीं हो सकता, तो मैं ऑर्डर लेके आई थी। उस बीच में मेरा जो इवेंट डेकोर था वो लोग आ चुके थे एंड मम्मी का ये गिफ्ट पता नहीं किसने दिया, मुझे अच्छा लगा तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। इधर पे खाने का प्रिपरेशन चल रहा था एंड ये था हमारा DIY माला। एंड ये जो केक है ना, ये मम्मी को नहीं पता है, मम्मी तो भूल गई थी, मैं लेके आई हूँ अभी। मम्मी दोपहर से सर खा रही थी, केक नहीं लाया, लेकिन मैंने केक मंगवाया था, लेकिन मम्मी को नहीं पता, छुप के लेके आ रही थी। इधर पे दीदी कर रही है मम्मी का मेकअप। क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है आप लोगों के बीच में, बोलो बोल, मेकअप आर्टिस्ट बोल, क्या डिस्टरबेंस हो रहा है? ये ब्राइड मुझे बहुत तंग कर रही है। क्या ब्राइड है भाई, मेकअप करने से इनको प्रॉब्लम है, चलो रेडी हो जाओ। और इधर पे मैं थोड़ा सा मेकअप करने वाली हूँ, फोकस ही नहीं हो रहा है, दोनों का शक्ल फोकस होके बैठा है। मेरा लाइनर फोकस हो जा, क्योंकि वी आर प्रीटी। मेरा लाइनर तुम लोग से भी ज़्यादा प्रीटी है, लेकिन ये फोकस नहीं हो रहा है, मुझे नहीं पता क्यों। एंड इधर पे हमारे ग्रूम का कुछ दूसरे ही लेवल का खुद का ही काम चल रहा है, फोटोग्राफी चल रहा है। एंड इधर पे जो भी मतलब हमारे जो रिचुअल्स वगैरह होगा, मेरी बुआ मासी सब लोग ये सब जितना भी चीज़ जो कुछ भी चाहिए होता है मतलब इस रिचुअल के लिए वो सब ला रहे हैं। एंड पूरा फुल्ली तो शादी नहीं होने वाला है, बस थोड़ा बहुत रिचुअल्स होगा, नथिंग एल्स। जो हम बोलते हैं कि दान देते, बेंगल में बोलते दान देना, वही रिचुअल होगा बेसिकली। इसके बाद से जितना भी क्लिप होगा ना वो एक्चुअल वॉइस में होगा, मतलब जो मंत्र वंत्र है, ताकि आप भी इस सिचुएशन का वाइब्स अच्छे से ले पाओ। नमो जवा कुसुम संताशम अश्वपयम। इधर पे मैं भाई को बोली थी इस एंगल से वीडियो ले, इस एंगल से फोटो ले। नमो एतिरम दृष्टि स्वभूमिते आसनोत्ति मातृका देवी
হ্যাঁ, উনি এসেছে উনির মা বাবার বিয়ে দেখতে। চোখে পড়েছি ধরা, এভাবে আমার হয়ে যাবে। আলগোছি পায়ে পায়ে যে কবিতা হলো শুরু, এভাবে মনাট খুঁজে পাবে। হাওয়া কেন ছিল আমলে, হাওয়া কেন আমাকে ছুলে, আমিও কি পড়েছি প্রেমে অকারণ। হাওয়া কেন ছিল আমলে, হাওয়া কেন আমাকে ছুলে, আমিও কি পড়েছি প্রেমে অকারণ। ये है शादी की दी एंड। एंड अभी इधर पे चल रहा है फोटोग्राफी सेशन, मतलब क्या ही बोलूँ, सब कुछ फोटोज वीडियो सब लिया जा रहे हैं। अभी इधर पे होने वाला है केक कटिंग का प्रोसेस। सच बोलूँ तो इतनी देर आप लोगों ने देखा कि मैं कांता भाई बन के घूम रही थी। बींग ऑनेस्ट, तबीयत का एकदम लोचा बना हुआ था मेरा, लेकिन मेरा शक्ल देख के शायद से समझ में आया होगा आप लोगों को। लेकिन जो मेरा एनर्जी था ना इन लोगों के साथ, मतलब मम्मी और पापा का शादी है, सब कुछ मैनेज करना है, मेरा एनर्जी कुछ दूसरे लेवल का था। लेकिन तबीयत ख़राब था, बट वी रियली एन्जॉयड। पार्टी के लास्ट में ये डांस देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। रात के 2:30 बजे इधर पे खाना खाया जा रहा है, खाने चले गए, फैन ऑन करके चले गए। एंड मेरा जो बैकग्राउंड नॉइज है वो बहुत मस्त आ रहा है। इधर पे मेरा भाई ही करके मेरे साथ साथ दे रहा है, कोई नहीं है रूम पे, बस मैं और भाई है, क्योंकि हम पिक्चर्स और वीडियोस ले रहे हैं। तो मिलेंगे और नहीं मिलूंगी शायद से, वीडियो आज ही एंड कर दूंगी। अगर कल कुछ प्रोग्राम हुआ तो फिर शायद से कंटिन्यू करूँ, वरना नहीं करूँगी। एंड थोड़ा बहुत क्लिप्स वगैरह सब कुछ आपको दिख गया होगा ऑलरेडी। सो मैं अभी गुड नाइट बोल के, टाटा बोल के ब्लॉग को एंड करती हूँ। लेकिन अगर बाई चांस आ गई तो फिर मैं फिर से मिल जाऊंगी। लेकिन टिल देन टाटा, मिलेंगे दूसरे वीडियो में।